रामायण सेनाइट है या क्या? लालू यादव जी से आग्रह, राम हो या कृष्ण, अल्लाह हो या ईश्वर, वाल्मीकि हो या संत रविदास, हर आदमी की अपनी आस्था। देश में इन दिनों धर्म की राजनीति लगातार तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रही है। हर कोई हिंदू मुस्लिम करते हुए नजर आया, चाहे बात कर ले INDIA अलायंस की या फिर बात कर ले NDA की सरकार की। मुद्दा बस एक ही है, वो है धर्म। इन दिनों शिक्षा मंत्री का बयान जिस पर उन्होंने कहा था कि जो रामचरितमानस है वो साइनाइड है, जिसके बाद बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई। अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अमित शाह के दौरे पर क्या कुछ कह रहे हैं, साथ में जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ अमित शाह का जो दौरा था झंझारपुर में, अमित शाह ने सिर्फ उसमें ये कहा कि कुरान बाइबल और इन सब चीज़ों को लेकर ही बात की, ना कि जो चीज़ें थी मुद्दा था झंझारपुर का, चीनी मिल की बात करें या फिर और भी जो समस्या है उसके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। आग्रह करूंगा सर, आप देख लें कमेटी जो बनी है, आप उस पर देख लें कौन है मंत्री कौन है माफिया। मेरा दूसरा है लालू यादव जी से आग्रह, राम हो या कृष्ण, अल्लाह हो या ईश्वर, वाल्मीकि हो या संत रविदास, हर आदमी की अपनी आस्था है। लगातार जिस तरीके से राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा रवि रामायण पर उंगली उठाना, कभी इस्लाम पर उंगली उठाना, कभी दलित विचारधारा पर उंगली उठाना, यह राजनीतिक और सामाजिक रूप से सही नहीं है। रामायण सेनाइट है या क्या, यह मेरा बहुत क्लियर है। चाहे वो गीता हो या कुरान, बाइबिल हो या रामायण, यह आस्था की चीज है। मानो तो देव ना तो पत्थर, तुम मानो या ना मानो ये तुम्हारी आंतरिक चीज है। लेकिन चाहे वो गीता कुरान बाइबिल रामायण पर किसी को भी गाली गलौज जो टिप्पणी करने का राइट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये भावनाओं की चीज है। मैं आग्रह करूंगा ऐसे चीजों से राजनीतिक व्यक्ति को बचना चाहिए। विचार रखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कोई आदमी कुरान को कह देता है कि ये आतंकवादी पैदा करने का जरिया है, कोई रामायण को कह देता है कुछ, कोई मनु स्मृति की बात करने लगता है। हजार साल बाद हमें वन नेशन वन एजुकेशन की बात करनी चाहिए सरकार को। जैसे अमित शाह जी आए, मट्टी भारत और मिट्टी कोई बात नहीं, सहरसा और दरभंगा के एम्स का चर्चा नहीं किया, बाढ़ से मुक्ति की बात नहीं की, कोसी सीमांचल के विशेष स्टेटस की बात नहीं किया, मक्का और मखान की बात नहीं किया, झंझारपुर के बगल में मधेपुर दूध की सबसे बड़ी फैक्ट्री और मधुबनी की तीनों चीनी मिल खुलने की बात नहीं किया। पेपर की बात नहीं किया, दरभंगा का पेपर मिल की बात नहीं किया। अरे अमित जी, मैं आपका पैर धो के पीऊंगा। आप मधुबनी का तीनों चीनी मिल, मधेपुर की दूध की फैक्ट्री, दरभंगा का पेपर मिल और सीमांचल और कोसी को बाढ़ से मुक्ति कर दीजिए। बारे बार सब लगे हैं मनु स्मृति या रामायण की कथा पढ़ने में, कुरान को बाइबिल या दलित को गाली देने में। इसीलिए मेरा आग्रह है मंत्री जी, आप सर्वोच्च हैं,
आपसे ऊपर के पाठक नहीं है, के पाठक को राइट नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। ये बिहार सरकार इसकी इजाजत नहीं देता है, जो हमारा धारा है, कानून है कि कोई सेक्रेटरी मंत्री के रहते प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। लगातार मंत्री का अपमान का मतलब है सरकार का अपमान। यदि आपको के पाठक जी और यह विभाग लगातार टॉर्चर कर रहा और नहीं चल रहा है, आज जरूरत है बिहार में हर कॉलेज में 1500 पर एक सीट, एक टीचर एक प्रोफेसर है, उसको बढ़ाइए, दूसरा रूम करिए। मनु स्मृति हजार साल पहले, अब आज है वन नेशन वन एजुकेशन वन हेल्थ और वन जॉब। जो काम अमित शाह करके जाएंगे वही काम हमारी सरकार का भी कोई विभाग करे, यह सही नहीं है। हमारी पार्टी किसी भी धर्म के आस्था को मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा है। किसी भी दलित हो या किसी भी विचारधारा के साथ खड़ा है। किसी भी विचारधारा को चैलेंज करने वाले व्यक्ति की दुकान चल सकती है। समाज को, जाति को ठेस पहुंचाने की इजाजत हमारी पार्टी नहीं देती है। बस मेरा सिर्फ ये आग्रह है, अमित जी रहा न कुल में रोवन हारा, आप आए तो न विशेष रात पर बात किए, न विशेष पैकेज पर बात किए, न कोसी सीमांचल मिथिलांचल के स्टेटस पे बात किए, न आप मधुबनी के तीनों चीनी मिल खुलवाने पर बात किए। आप मधेपुर के बगल में थे, ना उस दूध फैक्ट्री को खुलवाने पर बात किए। गुजरात की वही दूध फैक्ट्री एक ही साथ खुली थी, उसे गुजरात बना लिए और बिहार को बंद कर दिए। और पेपर मिल जो दरभंगा का सबसे ऐतिहासिक है, उस पर बात नहीं किए। आप जोगबनी गए, बाढ़ मुक्ति की बात नहीं किए, मकान और मक्का की बात नहीं किए। आपको यहाँ आकर के घुसपैठी और लालू यादव जी, नीतीश कुमार 17 साल आपके साथ था, आपका चला। नीतीश के रहते किसी का नहीं चलता है, नीतीश सम्मान करते हैं, नीतीश किसी की सुनने उनने वाले नहीं हैं। गलतफहमी में ना रहिएगा। जब बीजेपी डबल इंजन की सरकार का नहीं चला और आप मजबूर हो गए कम सीट देने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का, तो ना लालू यादव जी इंटरफेयर करते हैं और ना नीतीश कुमार किसी से चलते हैं। इसीलिए ऐसी बात आप दुकान चलाने के लिए बोल देना, अमित शाह जी का रैली फ्लॉप, अमित शाह जी का बिहार आना जनता के साथ सिर्फ बार्गेनिंग करना, ठगना, मिथिला कोसी सीमांचल को अपमानित किया अमित शाह जी ने बिना किसी चीजों के। ना तो सहरसा एम्स की बात की, ना दरभंगा एम्स की बात की। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने लालू को भी चेता दिया है, लालू यादव के बारे में भी कह दिया है कि जिस तरीके से लगातार उनके पार्टी के जो नेता है वो बार बार धर्म की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे बात करें रामचरितमानस को लेकर या फिर हिंदू धर्म को लेकर, वो ये सारी बातें किस लिए कह रहे हैं, इसको लालू यादव को कड़ी नज़र में देखना चाहिए और लालू यादव को चेताना भी चाहिए अपने पार्टी के नेताओं को कि काम पर ध्यान दे, जिस तरीके से देश में और बिहार में काम की ज़रूरत है उस पर ध्यान दे, ना कि धर्म की राजनीति पर और रामचरितमानस पे लगातार जिस तरीके से विवादित बयान शिक्षा मंत्री दे रहे हैं। अमित शाह और लालू यादव दोनों को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने चेतावनी दे दी है। बहरहाल मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है, सहयोगी हीरा के साथ आईवीटीवी पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।